हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आप जिस पर्सन से इस टाइम डील कर रहे हो करंटली, क्या वो पर्सन आपसे शादी करना चाहता है? ठीक है, क्या मतलब सच में वो शादी करना भी चाहता है या ऐसे टाइम पास आपके साथ कर रहा है? आज की रीडिंग में देखूंगी। सो रीडिंग जो है जनरल है, टाइमलेस है, इट मे रेजोनेट और नॉट, सो टेक वट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आप इससे मेल फीमेल एंड सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, आई डीपली अप्रिशिएट यू। इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, मैं अच्छी से अच्छी रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। ठीक है, मेरे जो चैनल है उस पर रीडिंग्स आपके सब टाइमलेस हैं। आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर करेगा। सो जितना रेजोनेट करता है आप लोगों ने उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन पर कुछ भी फिट नहीं करना। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सो रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं आपके पर्सन जो इस करंटली जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, क्या वो पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, उसकी मतलब लाइफ, उसकी इंटेंशंस आपसे शादी करने की हैं भी हैं या नहीं है। तो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, वो जिस पर्सन से करंटली डील कर रहे हैं, क्या वो पर्सन उनसे शादी करना चाहता है, क्या वो पर्सन उनसे शादी करेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मून। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, क्या वो पर्सन उनसे शादी करना चाहता है या क्या उनसे शादी करेगा। एस ऑफ वैंड्स, वन मोर कार्ड। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, क्या वो उनसे शादी करना चाहता है या करेगा। सिर्फ एक कार्ड चाहिए। ओके, द एम्प्रेस। ओके, यहाँ पे जो स्टार साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन पाइसिस एंड एरिस लियो सैजिटेरियस एंड टॉरस एंड लिब्रा, ये स्टार साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं। लेकिन अगर एनर्जी रेजोनेट करती है डेफिनेटली आप लोगों की रीडिंग है वेरी ब्यूटीफुल। द सन इसको भी मैं लूँगी, लियो। इनका स्टार साइन लियो भी हो सकता है, लेकिन स्टार साइन को कुछ भी हो सकता है। ओके, तो क्या ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है? ये पर्सन जो है आपके साथ शादी करने की, इस पर्सन की इंटेंशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं आप लोगों के लिए, लेकिन बीच में मुझे लगता है जहाँ तक मून का कार्ड आया है एंड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, आपके साथ एम्प्रेस वाला फील करता है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाला है। ठीक है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, आप लोग भी स्पिरिचुअल हो सकते हो। ठीक है, लेकिन पर्सन यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पर मर्डर इशू लग रहा है मुझे, थर्ड पार्टी का इशू है जो कि इसकी मदर है। मदर का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो शादी है उसके अंदर जो है ऑब्स्टेकल इसकी मदर क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये पर्सन जो है अपने इमोशंस छुपाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होगा, कंफ्यूज इसको इसकी मदर कर रही है, लेकिन डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। एस ऑफ वैंड्स है, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ठीक है, आपको तो एम्प्रेस की तरह देखता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी हो, आप ज़्यादा आपके पास सब कुछ है लाइफ में, आपके पास काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है, काफ़ी ज़्यादा फर्टेलिटी है। एंड द सन फील करता है आप लोगों के साथ खुशियाँ चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ हैप्पीनेस फील करता है, एंजॉयमेंट फील करता है। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ शादी करना चाहता है और आपके साथ जो है आपको प्रेग्नेंट भी करना चाहता है कि आप उसके बच्चों की माँ बनो। ठीक है, माँ बनो या बाप बनो, आपको पता है कि अब आप लोगों का जेंडर क्या है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये आपके साथ क्रिएट करना चाहता है अपनी शादी, फैमिली ये पर्सन लाजमी आप लोगों के साथ बनाना चाहता है। तो मुझे ये इंटेंशन देखनी थी, मैंने देख ली है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत ज़्यादा यू नो स्मॉल सेट ऑफ पीपल मुझे ये लग रहा है। हो सकता है ये पर्सन आप लोगों के साथ डिसेप्शन कर रहा हो, कोई ना कोई चीज़ें छुपा रहा है, कुछ चीज़ें शायद ये पर्सन आपसे छुपा रहा है, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, ये डेफिनेटली सबके लिए नहीं मैं कह रही, लेकिन मोस्टली मुझे जो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन मुझे यही लग रहा है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, उसकी इंटेंशन आप लोगों के लिए अच्छी है। बहुत कम के लिए यहाँ पे लग रहा है कि वो पर्सन आपके साथ डिसेप्शन कर रहा है, लेकिन मेन हैवीली मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है वो ये फील हो रहा है कि इस पर्सन की मदर बीच में जो है कुछ क्रिएट कर रही है, यू नो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, या इस पर्सन को कन्फ्यूज़ कर रही है, या इसकी माँ नहीं मान रही, मदर मान नहीं रही, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस पर्सन के कोई ना कोई बात तो है, थर्ड पार्टी तो नहीं लग रही, इसकी मदर है।
जो आपका इसके साथ रिलेशनशिप आगे यू नो फर्दर बढ़ने नहीं देगी। चलें इधर से भी देख लेते हैं इस पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। शादी करेगा भी या नहीं करेगा आपके साथ, इधर से भी कुछ मैं क्लैरिफाई कर लूँगी। एस ऑफ एयर, तो ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ चाहता तो है यहाँ पे आप लोगों के साथ बिगनिंग करना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आइडिया सोच रहा है कि किस तरह आपसे बात की जाए, हो सकता है कि आपसे आपको प्रपोज करना चाहता है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है, हो सकता है आप लोगों को इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। डेफिनेटली चैलेंज आपको फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इसकी मदर है और मदर ही इशू क्रिएट कर रही है। दैट्स वाई आपको रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आ सकती हैं इस पर्सन की शादी, इस पर्सन को आपसे शादी करने के लिए, ठीक है। मदर इन्फ्लुएंस मुझे बहुत लग रहा है यहाँ पे। ओके, थ्री ऑफ वाटर, ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ सेलिब्रेशन जाता है, वेडिंग का कार्ड आ गया है आपको यहाँ पे पहले ही नज़र आ गया है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो इसका स्टार साइन हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है, आप लोगों के साथ फन क्रिएट करना चाहता है। लाजमी ये डेफिनेटली ये पर्सन यहाँ पे क्लैरिफाई बहुत दफ़ा हो गया है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। द सन, द एम्प्रेस, एस ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन हर्डल्स जो है चैलेंज फेस करना पड़ेगा, बिकॉज चैलेंज जो है शुरू करेगी इसकी मदर, इसकी मदर की वजह से आपको बस केयरफुल रहना है, ठीक है। एट ऑफ फायर यहाँ पे कार्ड है, एट ऑफ स्वॉर्ड, ओके। तो ये पर्सन जो है यहाँ पे आपके साथ चाहता तो है क्रिएट करना, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ डिले फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे जो है अपनी मदर की वजह से कुछ स्टक फील कर रहा है, बिकॉज इसकी मदर जो है इसको रोक रही है आप लोगों की तरफ आने के लिए, आप लोगों से शादी करने के लिए क्रिएट कर रही है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है मूव नहीं कर पा रहा, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे डिले फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्शन इसकी मदर नहीं लेने दे रही मुझे, आई डोंट नो, बार बार यही समझ आ रही है, नज़र यही आ रहा मुझे। द व्हील, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइन जो है आप लोगों में से आपका साथ देगी, ठीक है। जो सिचुएशन है वो सडनली आप लोगों की फेवर में जो है जाएगी, ठीक है, और आप लोगों किस्मत जो है आपका साथ देगी, आप लोगों के लिए पॉजिटिव चेंज आएगा। डेफिनेटली आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोग डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन हो, एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों एक दूसरे की किस्मत में हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे हैविली यहाँ पे फील हो रहा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड ने यहाँ पे मुझे क्लैरिफाई कर दी, ये पर्सन कंप्लीशन चाहता है आपके साथ और पॉजिटिव चेंज चाहता है, और डिवाइन भी इसमें आप लोगों का साथ देगी। सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पे, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी, ओके। गुड न्यूज़ आप लोगों के पास आएगी और आप लोगों के डिवाइन आपका साथ देगी और आप लोगों को यहाँ पे विक्ट्री मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है और बहुत खूबसूरत इस पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स भी आ रही हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। हर्डल्स क्रिएट करेगी, जो चैलेंज आपको फेस करने पड़ेंगे इसकी मदर की वजह से करने पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों की लाइफ में सन आएगा। अभी तक कुछ चीज़ें रुकी भी हुई हैं, इसकी मदर इशू क्रिएट भी कर रही है, तो डिवाइन आपका साथ देगी और ये जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंज है आपको, ये इससे आप निकल जाओगे, लेकिन फेस करने पड़ेंगे, लेकिन फिर निकल जाओगे बिकॉज डिवाइन आपके साथ है, एंजल आपको गाइड करेंगे। तो देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी क्या है आप लोगों को लेके, इस टाइम करंट एनर्जी क्या है इस मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, इस टाइम जिसे वो डील कर रहे हैं। एप्रिसिएशन, ये पर्सन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक एम्प्रेस की तरह देखता है कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है, अपनी सेल्फ केयर करने वाले हो, तो ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ये अप्रिशिएट करता है कि आप लोगों को अपनी ब्यूटी और अपनी सेल्फ केयर करनी कितनी अच्छी लगती है। दैट्स वाई ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करता है, आप लोग सेटल हो अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली का यहाँ पे कार्ड आ गया, अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे द सन का कार्ड भी आ गया है, द व्हील भी आ गया है, एम्प्रेस भी आ गया है एंड हैप्पी फैमिली भी आ गया है। डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है, आपके साथ बच्चे चाहता है कि आप लोग हैप्पी फैमिली यू नो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो और आराम सुकून से खूबसूरत लाइफ स्पेंड करो, ठीक है। लाइफ टाइम ही आप लोगों के साथ चाहता है, कमिटमेंट करेगा तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, ठीक है, मरते दम तक साथ रहना। आई डोंट नो ये मुझे क्यों आया है, मुझे मैसेज मिला मेरे कान में, मुझे सुनाई दिया तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हैप्पी फैमिली जाता है ये, जैसे ये यहाँ पे यू नो रेनबो है, तो ऐसे ही आप लोगों की लाइफ में कलरफुल आएगा, द सन आएगा, लाइट आएगी और हैप्पीनेस आएगी। अभी मुझे लगता है आप लोगों में से
आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, शायद इसकी मदर की तरफ से ही कर रहे हो या वैसे कुछ भी हर्डल्स आ रही हैं आप लोगों की तरफ से, लेकिन स्ट्रांगली मदर है। लेकिन वहाँ से आप निकल जाओगे, आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी, डिवाइन आपका साथ देगी, किस्मत भी साथ देगी। हीलर ऑफ द एजेस, इस टाइम आप लोगों को हील करने की ज़रूरत है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपने आपको हील करा है। 51 ईयर्स इसकी एज हो सकती है या आप लोगों की हो सकती है। डेफिनेटली ये पर्सन थिंकिंग मैन, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है कि नेक्स्ट एक्शन कैसे लिया जाए, कैसे आप लोगों की तरफ आया जाए, आप लोगों को प्रपोज किया जाए, इस मदर से निकल के कैसे आया जाए आप लोगों की तरफ, ठीक है। बिकॉज ये एक्शन तो यहाँ पर आप लोगों के लिए लेना चाहता है, ठीक है। सो ये इस पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स थी। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।